होने की बात कही गई है, 29 तारीख की डेट आई है, तो लोगों में अभी अफरा तफरी है, खुशी का माहौल भी है। कई जगह लोग अपने शेयर टटोल रहे, कहाँ है, कैसे है, कितने आईडी खोल रहे हैं, अपने आईडी पासवर्ड ढूंढ रहे हैं, काफी कुछ उथल पुथल हो रखी है इस समय। और कुछ लोगों के टेंशन भी, कुछ लोगों के सवाल है जो कि उसका आंसर देना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए, बता दूं कि ईहा की तरफ से जो रेफरल देने की बात हुई थी, उसके लिए इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने 7 जुलाई 2021 और 30 सितंबर 2021 के बीच में अपना पीवी यानी अपना पर्सनल वेरिफिकेशन यानी केवाईसी किया था, पूरा किया था, उन्हें एक बार में पूरी तरह से लाइव और परीक्षण अवधि से बाहर होने पर 3 निःशुल्क रेफरल प्राप्त होंगे। ये कंपनी को मेल किया हुआ था, उसके मेल पे जो ईहा की तरफ से रिप्लाई आया, तो उसके लिए वेट करें। क्योंकि देखिए, हमें कोई भी हमारा जो भी हमें कंपनी ने ऑफर दिया था, हमें भूलना नहीं है, हमें सब कुछ याद रखना है। तो उस समय कंपनी ने फ्री रेफरल की बात कही थी, हमसे वादा किया था, तो इन्होंने, हमने पूछा था इनसे, तो इन्होंने कहा है कि जब ये पूरी तरह लाइव हो जाएगा यानी रियल एड शुरू हो जाएगी, तो आपको 3 रेफरल जो है बिल्कुल आपको 100% मिलने वाले हैं। इसके अलावा आपको और कोई मदद चाहिए तो आप लोग यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ और है कि यहाँ पर आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि FS1 को तो भाई बिल्कुल भी मत बेचना, बिल्कुल भी मत बेचना। क्योंकि अगर आपने जरा से पैसों के लालच में FS1 बेच दिए, और आने वाले समय में इस FS1 की वैल्यू क्या होने वाली आप लोग नहीं जानते। क्योंकि कई बड़े बड़े कंपनी के शेयर आने वाले 6 महीने, साल भर में, 2 साल में लोगों को करोड़पति बना चुके हैं, आप सभी को पता है। तो यहाँ पर आप सभी से अनुरोध है कि FS1 ना बेचे, क्योंकि आप इसे $1 के हिसाब से बेच देंगे या €1 के हिसाब से सेल कर देंगे, बाद में अधिक शेयर खरीदना चाहेंगे तो हो सकता है कि आप एक शेयर के लिए $5 या $6 या इससे अधिक भुगतान कर रहे होंगे। तो अभी आपके पास जो जीरो से स्टार्टिंग में पड़ा है, तो उसकी वैल्यू आप ये मत सोचिए कि कम है, आने वाले समय में आपको ये बहुत महंगे या उससे ज़्यादा भी आपको मिल सकते हैं। तो आने वाले समय, मान लो अभी आपने $1 के हिसाब से या €1 के हिसाब से सेल कर दिया, जैसे ही बायबैक प्रोग्राम शुरू होगा उसके अकॉर्डिंग, तो बाद में आपको फिर शेयर खरीदोगे आप लोग ये सोच के कि हम आगे फ्यूचर बनाएंगे, तो हो सकता है उस समय $5, $6 यानी 400 से 480 रुपए या इससे ज्यादा भी इसकी कीमत जा सकती है। तो अभी आपके पास शुरुआत से मौका, एक नींव है आपके पास, एक नींव खुदी हुई पड़ी है, उस पर आपको कॉलम डालना और एक बिल्डिंग खड़ी करनी, यानी कि आपके पास एक शुरुआत से जड़ में आप बैठे हुए हैं, और पूरा लंबा पेड़ जो बनेगा यानी उस पेड़ का जो फल आपको आगे मिलेगा, वो उसके लिए आपको थोड़ा सा बचा के रखना है FS1, उसको सेल नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद और एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि अभी क्या है कि बहुत से लोग अपनी आईडी अब लॉगिन करना शुरू कर चुके हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि यहाँ पर बहुत से लोग का सवाल है कि जो हमारा जो 500 शेयर सेल करेंगे तो कितना पैसा मिलेगा इंडियन रुपीज में, लोग जानने का उत्सुकता रहती है, जानने के लिए लोग बिल्कुल बेताब रहते हैं। अच्छी बात है, हमने भी जाना, हमसे कई लोगों ने सवाल किया। तो FS1 या FS2 की वैल्यू जब आप इसको देखिए, अभी तो हम जैसे कंपनी ने बताया कि जो पुराने फ्यूचर शेयर FS1 के लाएंगे वो €1 में बिकेगा, पर शेयर का €1 रेट रहेगा, ठीक है, और FS2 का €2 पर शेयर का रेट रहेगा। तो FS1 यूरो पर शेयर, FS2 का €2 पर शेयर, तो €500 का अप्रोक्सीमेट 40,000 रुपए की वैल्यू बनती है INR में। बहुत से लोग ये जानने के लिए बोल रहे थे, वीडियो बनाने के लिए बोल रहे थे कि सर इसका INR में बताइए। तो देखिए, आप €1 का वैल्यू जो भी निकाल, आप गूगल पे देख लीजिए या डॉलर के हिसाब से अमाउंट देख लीजिए, लगभग अप्रोक्सीमेट उतना ही ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता है, लेकिन €500 ऑलमोस्ट 40,000 या उससे प्लस ही जाएगा आपका। तो आपके 500 FS1 की वैल्यू ये रहेगी, यानी €1,000 जो है आपके, और जो €1,000 रहेंगे वो जाएंगे ऑलमोस्ट 80,000 रुपए तक के। तो ये आप सोच के देखिए कि अगर एक FS1 €1 का रेट इतना है, तो 500 के हिसाब से जो आपकी INR रुपीज है वो 40,000 के लगभग है, और €1,000 का ऑलमोस्ट लगभग 80,000 रुपए आपको मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं पावर है आपके इस टोकन में, लेकिन अभी आपको FS2 ही